हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं खुशबू अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं आपके साथ जिमीकंद यानी ओल की गांजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ओल की गांजी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपके बच्चों को भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके लिए हम देसी ओल लेंगे। अगर गाइस आपके पास देसी ओल नहीं है तो आप हाइब्रिड वाला ओल का भी यूज कर सकते हैं, बट देसी ओल से आपकी गांजी थोड़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसका छिलका हम उतार कर इसको पानी से वॉश कर धूप में सुखा लेंगे। और कच्ची हल्दी लेंगे। अगर आपके पास गाइस कच्ची हल्दी नहीं है तो आप सूखी हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। और साथ में ही हम लहसुन लेंगे। लहसुन के छिलके को उतार कर उसे भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और हम थोड़ी सी आदी लेंगे। आदी मतलब अदरक। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप सौंठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको सौंठ को थोड़ा सा पानी में उबाल लेना है और उसे धूप दिखा देना है। गाइस, अब आपको लगेगा कि हमें इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो अगर आपने ओल आधा केजी लिया है तो आपको सारी चीज़ें आधी केजी ही लेनी है। बस आपको अदरक 100 ग्राम या 50 ग्राम के लगभग लेना है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ, वो भी बिहारी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गाइस, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको देसी स्टाइल वो भी बिहारी तरह से ओल की गांजी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो गाइस, आप इसके लिए सबसे पहले एक सिलवटे लीजिएगा और उस पर हल्दी को कूटिएगा। और गाइस, जो हल्दी कूट रही हैं वो मेरी चाची हैं। और गाइस, सबसे पहले आप हल्दी लहसुन आदि इन्हीं सामग्रियों को ही कूटिएगा। और लास्ट में आप ओल को, क्योंकि ओल खुजली करता है और अगर ओल आपका ज़्यादा खुजली कर रहा है तो आप हाथ में ऑयल लगा लेना। अब हम उसी तरह से अदरक को भी कूट लेंगे। गाइस, हम उसी तरह से लहसुन को भी फाइन कूट लेंगे। अब हम लास्ट में ओल यानी जिमीकंद को भी फाइन कूट लेंगे। गाइस, अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप कद्दूकस का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लगे कि जिमीकंद फाइन नहीं है तो आप एक बार और उसे फाइन कर लीजिएगा। फिर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में निकाल कर किसी कलछी की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। गाइस, मैं YouTube पे वीडियो बनाना, YouTube पे वीडियो अपलोड करना, ये सारी चीज़ें मनोज देव भाई से सीखी है। मैं उनकी वीडियो हमेशा देखती हूँ। इनकी वीडियो में कुछ सीख मिलता है जो बहुत ही हेल्पफुल है।
जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ऑयल आप इसमें कम से कम आधा केजी के लगभग में डालिएगा, अगर आपका ऑयल आधा केजी है तो। देखिए गाइस, हमारी गांजी कितनी ही सुंदर लग रही है, क्योंकि घर का जायका भी खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। अब हम एक कपड़ा लेंगे और कपड़ा से उसे ढक देंगे। कपड़ा अगर सूती का है तो बहुत ही अच्छा है, और उसे 8-10 दिन के लिए धूप में रखेंगे और समय समय पर धूप दिखाते रहेंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, मैं इसे 8-10 दिन के लिए धूप में रख दूंगी। फिर मिलते हैं 8-10 दिन के बाद और आगे का प्रोसेस बताते हैं। हो गया, मैं अपना गांजी आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए, गांजी कितना ही सुंदर है। मैं आपको इसे थोड़ा नजदीक करके दिखाती हूँ। है ना गांजी सुंदर और टेस्टी भी। अब मैं एक जार लूँगी, जार को अच्छी तरह से साफ करके उसमें उसे ट्रांसफ़र करूँगी। गाइस, हम अब हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च को बॉस कर अच्छी तरह से सुखा देंगे ताकि इसमें कुछ भी पानी ना हो। अब आपको लगेगा कि हम हरी मिर्च इतना लास्ट में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हरी मिर्च को अगर आप लास्ट में डालोगे तो आपका मिर्चा थोड़ा फुला फुला हुआ ही रहेगा, ये सूखेगा नहीं। अब मैं इसे इसमें मिक्स करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिलाकर इसको मैं कपड़ा बांधकर और धूप में 10 दिन के लिए ही रख दूंगी। 10 दिन में हमारी गांजी रेडी हो जाएगी खाने के लिए। गाइस, अगर आपको गांजी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी करना। गाइस, अगर कुछ सजेशन देना हो या फिर मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kanojiakhushbu123। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।